हे गाइस, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे एंड सिमिलरली ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे, क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम किसी एग्जांपल को लेके चलते हैं तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जब हम किसी बॉडी पे, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, पी फोर्स है, या तो पुल करते हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे मैंने टेंशन फोर्स लगाया, ठीक है। तब मैंने इसको फोर्स लगाया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पुल फोर्स के कारण क्या होता है, ये वाली डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये मेरी अगर यहाँ पे एल है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, L प्लस में डेल्टा L हो जाएगी, मतलब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हुआ, डेल्टा L इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन A नॉट है, इसको L नॉट कर लेते हैं, ठीक है। देन हमारे ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना हो जाता है, A वन हो जाता है। एंड A वन को आप क्या बोल सकते हैं, A नॉट माइनस में डेल्टा A। ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब जो ये क्रॉस सेक्शन था, मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, पुल फोर्स लग रहा था, उसमें तो इलोंगेशन आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया वॉल्यूम सेम होता है हमारी बॉडी का, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है वॉल्यूम। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसमें डिक्रीज हो रहा होगा तभी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारा आपको पता है वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड लेंथ होता है, एरिया एंड लेंथ होता है। अगर लेंथ इंक्रीज होएगी तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर हमारा लेंथ डिक्रीज हो रहा होता, किस केस में डिक्रीज होता है हमारा, जब कंप्रेशन फोर्स आ रहा होता है तब हमारी ये लेंथ डिक्रीज हो जाती है, उस केस में हमारा एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बिकॉज हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। तो हमारा ए मैंने क्या किया, ए नॉट में से कुछ माइनस कर दिया है यहाँ पे। एंड सिमिलरली एल वन हमारा क्या था, एल में कुछ ऐड हुआ है। तो इससे समझाना क्या चाह रही हूँ मैं आपको, जो हमारा ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं, हम पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर हमें गिवन नहीं दे रखा होता तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन मानते हैं उसे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मानते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम सिग्मा ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, मैंने आपको बताया फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया कौन सा, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल एरिया होगा हमारा, फोर्स हमारा पी दे रखा है, ओरिजिनल एरिया क्या है हमारा, ए नॉट। इनिशियल जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो हमारा एरिया क्या था, ए नॉट एंड एल नॉट। मान लीजिए पी फोर्स अभी नहीं लगाया है, जब पी फोर्स नहीं लगाया है, मतलब यहाँ हम लिख ही लेते हैं व्हेन पी इक्वल टू जीरो, तब हमारा एरिया क्या था, ए नॉट एंड लेंथ क्या थी, एल नॉट। मतलब ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल एरिया हुआ, ये ओरिजिनल लेंथ हुई। तो हम जब फोर्स अपॉन में ओरिजिनल एरिया करते हैं तो हमारा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। एंड हम बात करें, जब ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं, ट्रू स्ट्रेस की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, हमें तो वो वाला एरिया लेना चाहिए ना जो हमारा पी फोर्स के बाद स्ट्रेस हो गया, जो कम हो चुका है। एक्चुअली में तो इस स्ट्रेस हमारा किस एरिया, कौन सा एरिया ले रहा होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओरिजिनल तो हमारा डिफॉर्म हो चुका है, तो हमें वैसे तो ये लेना चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फाइंड करना, इसलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस नॉर्मली यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, जब तक हमें गिवन नहीं है हमें ट्रू स्ट्रेस यूज़ करना है। तो ट्रू स्ट्रेस हमारा क्या हो जाता है, इसको सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डैट इज़ दी फोर्स और लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। मतलब उस टाइम पे क्या एरिया है वो हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। फोर्स हमारा पी है, इंस्टेंटेनियस एरिया क्या होगा हमारा, ए वन होगा, एंड
ए वन हमारा क्या है, ए नॉट माइनस में डेल्टा ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रू स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, जब हमारा टेंशन फोर्स होता है उस केस में क्या हो रहा होगा, ए नोट हमारा क्या है, ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस एरिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए नोट में से कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर वाली इसमें कुछ कम आएगी, इसका मतलब पी क्या, इसमें सिग्मा टी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर कम है। सिग्मा टी किससे ज़्यादा आएगा, जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा, बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन ट्रू स्ट्रेस है, ठीक है। ये ऐसा कब होता है, टेंशन फोर्स के कारण। अगर कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, उसमें क्या होता है, सिग्मा टी हमारा लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है इन केस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स में क्या हो जाता है, ओरिजिनल एरिया हमारा, ओरिजिनल एरिया तो ए नोट मान लिया हमने, एंड कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, एल डिक्रीज होगा एंड ए वन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये प्लस में आ जाएगा अगर हमारा पी हमारा कंप्रेस कर रहा है इसे, यहाँ पे प्लस में आ जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है एंड ट्रू स्ट्रेस हमारा क्या हो जाता है, फिर लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था। अब इन दोनों में क्या क्या इक्वेशन बनती है ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की, उसको देखते हैं। इनिशियल एरिया हमारा क्या था, ए नॉट एंड लेंथ एल नॉट थी। हम मान लीजिए व्हेन पी इक्वल टू कुछ भी फोर्स है, पी इक्वल टू पी वन है, ठीक है, जो फोर्स है इस पे जीरो था, इसका मतलब ओरिजिनल शेप है ये, एंड फोर्स हमारा कुछ इंक्रीज हो गया, मतलब जीरो से ज़्यादा है, या तो इसे ऐसे कर लीजिए इस ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या होगा, ए हमारा क्या बन जाएगा, ए वन मान लीजिए एंड एल हमारा एल वन हो गया, ठीक है, इस केस में। एंड फोर्स हमारा मान लीजिए टेंशन फोर्स ही है, ठीक। तो हमारा क्या कंडीशन है, इसको दोबारा से उसी टाइप से कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो रहा होगा, ओके। तो इस केस में आप देखोगे, मैंने आपको बोला वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी, ये मान लीजिए ये सर्कुलर नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में लेंथ, तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम हुआ एल नॉट ए नॉट एंड एल नॉट इक्वल टू ए वन इंटू में एल वन, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी इक्वल है। अब हम देखना चाहे इसमें जो हमारा इंस्टेंटेनियस एरिया है ए वन, ए वन इज दी इंस्टेंटेनियस एरिया जब हमने पी लोड लगाया इस पे, तो ए वन हमारा किसके इक्वल हो सकता है, इसी इसको इक्वेट करने के बाद इक्वेशन वन से आपको क्या पता लगेगा, ये ए वन इक्वल टू ए नॉट एल नॉट डिवाइडेड बाय एल वन, ये हो जाएगा, ठीक है। देन हम अपना क्या निकालना चाहे, ट्रू स्ट्रेस निकालना चाहे, डेट इज सिग्मा टी, कैसे निकलेगा, लोड अपॉन में इंस्टेंटेनियस एरिया, ये होता है पी इज द फोर्स, इंस्टेंटेनियस एरिया क्या है हमारा ए वन, एंड ए वन को और क्या लिख सकते हैं हम, ये हमने जो इक्वल टू करके लिखा है यहाँ पे, ए वन को हम लिख सकते हैं ए नॉट एल नॉट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल वन, ठीक है। इस टाइप से हमने इसे लिख दिया। अब आपको पता है हमारा जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता था हमारा, पी अपॉन में ओरिजिनल एरिया ए नॉट, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल एरिया लिख सकते हैं इधर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट इज दी सिग्मा ई इंटू एल वन डिवाइडेड बाय एल नॉट, इस टाइप से लिख दिया हमने। एंड एल वन हमारा क्या था, एल वन था हमारा एल प्लस में डेल्टा एल,
तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, एल प्लस में डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम एल नॉट सॉरी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एल नॉट करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रेन बन जाता है। और ये भी कौन सा स्ट्रेन बनेगा, इसमें एल नॉट क्या है, हमारा ओरिजिनल लेंथ है, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन है ये हमारा, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करा हमारा क्या आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाई, ये भी एल नॉट है हमारा, ठीक है, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, इस साइड करेंगे तो टेन वन प्लस में हमारा क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन, बिकॉज इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। देन वी कैन से, इधर ही लिख लेते हैं, इंजीनियर ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू वन प्लस में इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये हो जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। हालांकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है, अभी बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रेस में क्या किया था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमने ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, इसलिए ये मैंने ओरिजिनल लेंथ ली थी यहाँ पर। एंड ट्रू स्ट्रेन में क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस लेंथ लेते हैं, इस कंडीशन पे क्या लेंथ होगी उसकी, ठीक है, उसको भी देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। लेकिन इन दोनों में हमारा पता लग गया इसकी इक्वेशन, ट्रू स्ट्रेस हमें दे रखा है तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेन की, इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड ट्रू स्ट्रेन को हम ई टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारा, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन को हम मान लीजिए यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कोई, सिमिलरली ये बार था मेरा पहले, ठीक है। देन मैंने क्या करा, इस पे पी फोर्स लगाया एंड पी फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगी, इस टाइप से इंक्रीज हो गई एंड इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कम हो गया, ठीक है। देन मैंने फिर इस पे पी से कुछ ज़्यादा और लोड लगा दिया, पी प्लस में पी लोड लगाया इस स्टेज पे, तब क्या होगा हमारा, तब हमारा क्रॉस सेक्शन और कम हो जाएगा और लेंथ थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल लेंथ थी एल, एल नॉट बोल देते हैं तो इसे, एंड देन सेकेंड स्टेज में हमारी लेंथ क्या होगी, एल वन हो गई, डेट इज एल नॉट प्लस में डेल्टा एल, कुछ इंक्रीज हो गया यहाँ पे हमारा। एंड सिमिलरली थर्ड स्टेज में भी हमारी मान लीजिए एल टू लेंथ हो गई, ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है, जब भी हम फोर्स लगाते जाते हैं हर स्टेप पे रुकते हैं फिर फोर्स लगाते हैं, देन क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है वो कुछ रेशियो से बढ़ती जाती है। यहाँ पे डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, यहाँ पे हमने थोड़ा और फोर्स इंक्रीज कर दिया तो मान हो सकता है कि डेल्टा एल से कुछ ज़्यादा हो यहाँ पर, ठीक है। तो सिमिलरली इस टाइप का केस होता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, चेंज इन डायमेंशन क्या है हमारा, डेल्टा एल है, इस स्टेज को छोड़ दीजिए यहाँ की बात करते हैं, डेल्टा एल है एंड ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी हमारी, एल नॉट थी, ठीक है। एंड जब हम इंजन ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं वहाँ पे कंडीशन अलग होती है। ट्रू स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, चेंज इन डायमेंशन तो लेते हैं लेकिन डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, ओरिजिनल की जगह इंस्टेंटेनियस, उस कंडीशन में हमारी लेंथ क्या होगी, एल वन थी जैसे यहाँ पे वो लेते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायमेंशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इंटीग्रेशन लगता है क्योंकि
हर लोड के कारण क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा। तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैसे, ट्रू स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं लास्ट लेंथ से इनिशियल लेंथ तक। मान लीजिए हम L2 को छोड़ देते हैं, L1 से एंड नोट तक की बात करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा L नोट से, गलत कर दिया, L नोट से L1 तक, मतलब इनिशियल ओरिजिनल लेंथ से हमें फाइनल लेंथ तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, लॉग बेस e इंटू में l एंड दैट इज l नॉट l1, ठीक है। l1 माइनस में l नॉट, इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा, l1 डिवाइडेड बाय l नॉट, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या निकल जाता है, ट्रू स्ट्रेन निकल जाता है। अब इसको भी, इन दोनों के इक्वेशन भी बनती है एक कंपेयर करके। L1 को हम क्या लिख सकते थे, L नॉट प्लस में डेल्टा L लिख सकते थे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, यहां पर यही पुट करते हैं, लॉग E डिवाइडेड यहां पर लिखते हैं L1 की जगह L नॉट प्लस में डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, ये लिखा हमने यहाँ पे। देन इसके बाद और सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं, तभी हमारा क्या बन जाएगा, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा तो वन आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, एंड डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट क्या था हमारा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन था। देन वी कैन से ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू लॉग बेस ई इंटू में वन प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, जो कि हमारा है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाती है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा निकल गया स्ट्रेन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। आपको किसी ने कहा कि कोई एक बार है वो ऐसे हैंग हो रखा है, देन हमने क्या करा, इस पर पी लोड लगा दिया, ठीक है। एक बंदे ने यहाँ पर आया और इसने पी लोड लगा दिया, फर्स्ट स्टेज हुई। देन पी लोड के बाद क्या हुआ, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड क्रॉस सेक्शन कम हो गया, ठीक है। एंड देन ये स्टेज हमारी खत्म होगी, फर्स्ट स्टेज में ये चेंज आ गया। एंड सेकंड स्टेज में क्या हुआ, दूसरा बंदा है यहाँ पर, उसने क्या करा, पी वन लोड लगा दिया। पी वन लोड लगाने के कारण क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कम हो जाएगा एंड लेंथ इसकी और बढ़ गई हमारी, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। तब आपसे पूछा किसी ने, इस बार में कितना स्ट्रेन आ रहा होगा, शुरू से इनिशियल जो हमारी लेंथ थी क्या थी हमारी, एल नॉट थी, उसके बाद हमारी लेंथ क्या हुई, एल वन हुई, देन उसके बाद हमारी लेंथ हो गई एल टू हो गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, इस बार में स्ट्रेन कितना आएगा, टोटल स्ट्रेन। आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला नहीं, दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना आपको, आपको ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है, लॉग बेस ई इंटू में एल वन डिवाइडेड बाय एल नॉट, मतलब एल वन क्या था हमारा, फाइनल लेंथ। अब फाइनल की बात करें, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज की स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी, देन सेकंड की स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी, एंड देन दूसरे की, दोनों की इंटू कर ऐड कर देनी पड़ेगी, तब हमारी टोटल स्ट्रेन निकलेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम इसमें फाइनल लेंथ कौन सी मानेंगे, L2 हम फाइनल लेंथ मान लेते हैं एंड इनिशियल हम L नॉट मान लेते हैं, एंड बीच में कितनी भी स्टेजेस आई हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल पे हम ध्यान रखेंगे, तब भी हमारा स्ट्रेन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस केस में हमारी फाइनल लेंथ है L2, देन L1 की जगह हम जो हमारा फाइनल था, यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल लिख लेते हैं,
बहुत इजीली हो जाएगा। फाइनल हमारी एल टू थी एंड इनिशियल हमारी एल नॉट थी, तो ये हमारा आ जाता है ट्रू स्ट्रेन आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम स्टेज वन का स्ट्रेन निकालना चाहे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे निकलेगा, लॉग बेस ई। फाइनल हमारा स्टेज वन के लिए क्या है, एल वन है एंड इनिशियल थी हमारी एल नॉट थी, ठीक है। एंड ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेज में। एंड सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज के लिए आप इस बार को भूल जाइए, सेकंड स्टेज के लिए इनिशियल क्या होगी हमारी एल वन होगी एंड फाइनल क्या होगी एल टू होगी। देन इस केस में क्या करेंगे, हम फाइनल हम एल टू लेंगे एंड इनिशियल हम लेंगे एल वन लेंगे, बिकॉज सेकंड स्टेज के लिए तो हमारी इनिशियल एल वन ही है, हमें क्या पता उससे पहले किसी ने खींचा भी है वायर या नहीं खींचा है, ठीक है। तो हमारी ये दो स्ट्रेन आ जाती है, हम दोनों को ऐड करेंगे तब हमें टोटल स्ट्रेन पता लगेगी। देन हम कह सकते हैं ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन इन फर्स्ट स्टेज एंड ट्रू स्ट्रेन इन सेकंड स्टेज। अब दोनों को ऐड करेंगे ऐड करने के बाद क्या आएगा, इसको रब कर दिया मैंने, अब ये प्लस में है, प्लस हटाएंगे लॉग बेस ई इंटू में ए इंटू में बी कर सकते हैं हम, मतलब इंजीनियर ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग बेस ई एल वन एल नॉट इंटू में एल टू डिवाइडेड बाय एल वन, एल वन से एल वन कट गया, देन हमारा क्या हो गया लॉग बेस ई एल टू डिवाइडेड बाय एल नॉट, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रेन आया ट्रू स्ट्रेन क्या आया लॉग बेस ई ब्रैकेट में एल टू डिवाइडेड बाय एल नॉट। एंड इसमें भी क्या आया था, हमने जो डायरेक्ट इसमें फाइनल स्ट्रेन ली थी और इनिशियल, दोनों में हमारा सेम वैल्यू आती है, ठीक है। तो सिंपल क्या है, इसमें ये आप सॉल्व करेंगे हर स्टेज का अलग अलग निकाल के, ये डायरेक्ट आप फाइनल एंड इनिशियल की बात करोगे तब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इजिली कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल को लेके, बीच की स्टेजेस का आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, छोटे मोटे आएंगे तो इस पे बेस्ड। तो ये हमारा ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी कंप्लीट हो गया, स्ट्रेस भी मैंने आपको देख लिया है, दोनों में हमने रिलेशन देख लिया है क्या होता है ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन में एंड ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाकी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना मत भूल लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी सजेशन। गुड बाय।